अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अमन। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश 201 का क्विज़ लेकर आया हूँ। तो इसकी लास्ट डेट तकरीबन 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर तक आपने ये क्विज़ सबमिट करवा देना है। और इसके 10 MCQs हैं, और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है, अगर आपने अभी तक क्विज सबमिट नहीं करवाया तो आप 3-4 वीडियोस वगैरह देख लें, ताकि आपको अंदाज हो जाए किस किस्म के MCQs आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा MCQs है, द रिएक्शन ऑफ ए कोलीग आर ए प्रस्पेक्टिव कस्टमर टू एन इनकम्प्लीट आंसर लाइकली। मतलब ये कि अगर क्वेश्चन जो आंसर हो इनकम्प्लीट हो, तो उसकी तरफ जो कोलीग है या प्रस्पेक्टिव कस्टमर है, उसका रिएक्शन क्या होगा? फ्यूरियस होगा, यानी गजबनाक हो जाएगा वो, वायलेंट हो जाएगा वो, अपसेट हो जाएगा, या अनफेवरेबल। ये हमारे नोट्स में दिया हुआ है, तो इसके आप नोट्स के पेज नंबर 50 पर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ए कोलीग आर ए प्रस्पेक्टिव कस्टमर रिएक्शन टू एन इनकम्प्लीट आंसर आर लाइकली टू बी अनफेवरेबल। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन आता है, अनफेवरेबल, यानी वो उसके लिए अनफेवरेबल नहीं होगा। आगे इसका है, टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली वन शुड डिवेलप एंड नॉट ओनली स्किल बट आल्सो डैश विद अदर। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो आप बात करें उसका आगे असर हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वन शुड नॉट डिपेंड ऑन स्किल, यानी ना सिर्फ उसके पास स्किल नहीं भी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा क्या होनी चाहिए, बट आल्सो डैश विद अदर्स, सेंस ऑफ इम्पैथी, यानी वो उसके साथ नरम लहजे में बात करे, इम्पैथी हो उसके साथ, सम्पैथी हो, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की सलाहियत हो, सेंस ऑफ ह्यूमर यानी वो छोटा छोटा बहुत कोई लतीफ़ा वगैरह सुना के ऑडियंस को अपनी तरफ मैसेज इफेक्टिवली पहुँचाने के लिए। तो इसका ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कम्युनिकेट इफेक्ट वन शुड गिव, सॉरी इसका वही आंसर है, ऑल ऑफ अबव। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द फंक्शनल वर्ड, यानी फंक्शनल वर्ड में क्या चीज़ इंक्लूड होगा? कंजक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं, आपको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, और इसके अलावा आर्टिकल्स ए, ऑन और दी भी होते हैं। तो इनमें से वो कौन से कहता है कि इनमें से फंक्शनल वर्ड में कौन इंक्लूडेड है, कौन से? तो अगर ये मैंने नेट पे सर्च किया है तो इस पे आता है, ये दिए हुए हैं प्रपोजिशन आर्टिकल 5 दिए हुए हैं, एक्सिलरी वर्ब, प्रपोजिशंस, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस यानी ए, इज, आर, एम वगैरह, ये प्रपोजिशन होते हैं। आर्टिकल ए एंड दी, आपको पता है दो किस्म के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स कंजक्शंस जो कि वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, जैसे वाइल वगैरह, और प्रोनाउंस, ये 4 इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसका ऑप्शन आता है ये सी ऑप्शन, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड प्रोनाउन। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो कहता है एक्सट्रोवर्जन इज वन ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ, जो एक्सट्रोवर्जन है वो किसका एक्सपेक्ट है, कोहेरेंस का, कंसाइजनेस का, क्रेडिबिलिटी का, या कंप्लीटनेस का? तो अगर हम जाएं बुक में, हम इसमें सॉरी नोट्स में दिया हुआ है, ये देखिए क्रेडिबिलिटी में आप जाएं तो क्रेडिबिलिटी के जो नीचे पॉइंट्स दिए हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ फंक्शन हैज़ बीन सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड ओवर द फॉलोइंग रिलेटिंग टू द स्पीकर, इसमें कंपिटेंस, करेक्टर, कंपोजर, सोशल एबिलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन। उससे पूछा था कि एक्सट्रोवर्जन ये किसका, किस में इंक्लूड होता है, यानी किसका पार्ट है ये?
क्रेडिबिलिटी का है या ऊपर दूसरे रिकनसाइजनेस वगैरह है उन पे दिए हुए। ये देखें तो एक्सट्रोवर्जन जो होता है ना, इस ये क्रेडिबिलिटी का एस्पेक्ट है, ये आपने देख लेना है। ये है पेज नंबर 51 पे आप जाएंगे तो वहाँ पे दिया हुआ। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, वो कहता है व्हाई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सजेशन एंड ऑब्जेक्शन टू शुड बी रिटन। वो कहता है जो ऑब्जेक्शन या सजेशन, ऑब्जर्वेशन सॉरी, ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं या सजेशन जो कुछ हम सजेस्ट करते हैं या ऑब्जेक्शन या जो कुछ लिखते हैं लोगों को उस पर रिएक्शन आता है, ऑब्जेक्शन होता है, वो रिटन फॉर्मेट में क्यों होने चाहिए? टू परसुएड द अदर, दूसरे को समझने के लिए, परसुएड द रीडर, रीडर को समझाने के लिए, अलग थी टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, टू क्रिएट परमानेंट रिकॉर्ड या परमानेंट रिकॉर्ड रखने के लिए। ये भी हमारे नोट्स में दिया हुआ है। अगर आप हम जाएंगे टू डॉक्यूमेंट एक्शन साइंटिस्ट इंजीनियर मैनेजर, ये देखें टू डॉक्यूमेंट एक्शन, एक्शन मतलब इसका मतलब है कि किस चीज़ को डॉक्यूमेंट में रखना। नीचे आएंगे ऑब्जर्वेशन सजेशन ऑब्जेक्शन इन राइटिंग, यानी मैं हम राइटिंग में मोर इम्पोर्टेंट क्या है कि हम इसमें रिटन रिकॉर्ड रखें या हम उनको राइटिंग में रखें, तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन डी आएगा, टू क्रिएट दी परमानेंट रिकॉर्ड या रिटर्न, परमानेंट रिटर्न में हम रखते हैं तो उसे कहते हैं। और इसके अलावा हमारा दूसरा एमसीक्यू था, ये था कि डैश इन दी सेंडर्स इज इंपॉर्टेंट टू फेवरेबल रिएक्शन, यानी फेवरेबल रिएक्शन हासिल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? इम्पार्शियलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, क्रेडिबिलिटी। मैंने अपने नोट्स में चेक किया है, मुझे वहाँ से तो नहीं मिला, लेकिन उसके क्योंकि हमारा सेवन सीज है और सेवन सीज मैंने क्रेडिबिलिटी, कंसाइजनेस, कोहेजन वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसमें से मेरे ख्याल में इसमें डी ऑप्शन क्रेडिबिलिटी आता है। इसके अलावा आपने इसको खुद भी चेक कर लेना है, तो मेरे हिसाब से ये डी ऑप्शन क्रेडिबिलिटी आता है। तो थैंक यू, आप कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा जो भी क्विज होंगे या कोई असाइनमेंट वगैरह होगी तो वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म के लिए भी जो मवाद होगा वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।